दोस्तों जानना चाहते हैं मोटर वाइंडिंग की सारी ABCD, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि किस तरह से मोटर की वाइंडिंग करने के लिए हमें मोटरों को तैयार किया जाता है कटिंग के बाद में, रॉड पेपर कितने नंबर के लगाए जाते हैं और किस साइज के, कैसे इनका साइज निकाला जाता है, किस प्रकार से इसकी कटिंग की जाती है, सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। और उसका फर्मा कितना बड़ा होना चाहिए, क्वाइलें हमारी कितनी बड़ी होनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। क्वाइलें साफ बनाने का सही तरीका क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी प्रकार की मोटर वाइंडिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जीरो से मोटर वाइंडिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा बिना वीडियो को स्किप किए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसको हम तैयार कर लेते हैं मोटर की वाइंडिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं हमारे पास में ये जो स्टैंपिंग रखी हुई है मोटर की, हैं तो इसको देख सकते हैं, इसके अंदर जो है मतलब बहुत पुराना होने की वजह से इसकी पत्तियां वगैरह कुछ उखड़ी हुई हैं, तो इसको हमें पहले अच्छे से बैठाना पड़ेगा। बैठ जाए तो ठीक है, और अगर कोई ऐसा लगता है हमको कि ये स्लॉट पेपर के अंदर फंस सकते हैं तो उसको हम काट करके निकाल देंगे बाहर। एक आध पत्ती निकालने से मोटर के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, हाँ 4-5 पत्तियाँ जब आप निकाल देंगे तो उसके अंदर एम्पेयर में और वाट के अंदर फर्क पड़ने लग जाएगा, जो कि मोटर के हीटिंग के अंदर वो सहायता करेगा, मोटर ज़्यादा हीट होने लग जाएगी। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चलिए पहले मोटर की हम सफाई कर लेते हैं, मोटर को तैयार करेंगे, इसके अंदर पेपर डालेंगे, उसके बाद इसकी कॉइल वगैरह कैसे बनाई जाएगी ये भी हम आपको अब बताएंगे सीरीज से। चलिए पहले हम स्लॉट पेपरों को निकाल लेते हैं। स्लॉट पेपर निकालने के लिए इस प्रकार से कुछ पेचकस वगैरह आप ले करके ऐसे आप सबको उधर निकाल लीजिए या इस तरफ निकाल लीजिए, सबको बारी बारी से आप इस तरह से निकाल लीजिए। कोई भी मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं आप, उसका स्लॉट पेपर आपको अच्छे से सफाई करना होगा। अगर नहीं सफाई करेंगे तो आपकी मोटर के अंदर मतलब वाइंडिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, मोटर आपकी टाइट रहेगी अगर इसके अंदर स्लॉट पेपर फंसे हुए रह गए तो। जो पुराने स्लॉट पेपर निकाल लिए हैं, ठीक है, और मोटर को इस तरह से रख लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से एक सापट ले लेंगे मोटी सी और इसको इस तरह से मार मार के सीधा कर लेंगे, अंदर की तरफ बैठा लेंगे। इसको भी आप हटा लीजिए, ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी कुछ पत्तियाँ जो है कि उगी हुई हैं और कुछ जंग लग के गल गए हैं। देखिए जैसे कि ये जो है ये जंग लग के गली हुई है, उखड़ रखी है, तो क्या करेंगे हम इसको देखेंगे कि दब जाती है तो अच्छी बात है, नहीं दबती है तो आप एक पत्ती इसकी निकाल लीजिए, बाकी की सारी सही रहनी चाहिए। देख प्लास लेना है आपको और इस तरह से इसको कोशिश करें आप पूरा निकालना चाहें पूरा निकाल दें, नहीं तो थोड़ा बहुत निकाल करके यहाँ पे ऐसे निकाल करके भी आप काम चला सकते हैं, पूरा ना निकालेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे निकाल करके आपको तोड़ दीजिए और इधर वाले को यहीं पे तोड़ दीजिए, ठीक है, जहाँ तक गला हुआ है कि मतलब आपके वाइंडिंग के अंदर टच ना होने लग पाए, कि आपकी वाइंडिंग जो कि ख़राब हो जाए इसकी वजह से, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हैं जो कोने वाला हिस्सा है उसको आपको नीचे की तरफ दबा देना है, सब तरफ मतलब दूर रहना चाहिए, जो गोल वाला हिस्सा है इससे दूर रहना चाहिए, जो कोने जैसा कुछ है तो। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों हमारे मोटर के अंदर जो है कि सफाई हो गई है। दोस्तों बड़ी मोटर की वाइंडिंग करने के लिए हमें जो कि कागज़ के स्लॉट पेपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, हाँ आप प्लास्टिक वाले यानी PVC वाले भी ले सकते हैं सफ़ेद वाले स्लॉट शीट, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो कि कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक होने की वजह से वो हीट होने के बाद में वो टूटने लग जाते हैं, लेकिन अगर ये हीट हो भी गई मोटर तो भी दोस्तों ये वाले जो कि झड़ते नहीं हैं हीट होकर के, तो ये कागज़ वाले जो कि ज़्यादा अच्छे रहते हैं हमारी मोटर की वाइंडिंग के लिए। ठीक है, और इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे कागज़ वाले सीट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, और जब भी आप कोई नई सीट लेते हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि सीधा किधर से है, इधर से है या इधर से है, किधर से काटना पड़ेगा आपको इसको। देखिए जिधर से टूटता है उधर से आपको नहीं काटना होता है, देख सकते हैं यहाँ से नहीं टूट रहा है और यहाँ से ये टूट रहा है, तो हम दोस्तों इसको ऐसे नहीं बल्कि हम ऐसे यानी कि लंबा करके हम इस तरह से काटेंगे जो कि ये नहीं टूट रहा है इधर से। ठीक है, आप सबसे पहले एक टुकड़ा काटेंगे हम यहाँ पे, आप कुछ इस तरह से नाप सकते हैं, जैसे कि ये कील ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, और कम से कम 4-4 mm उधर 4 mm इधर, ठीक है, इस तरह से आप नाप ले लीजिए एक, और एक टुकड़ा पहले काट लीजिए और चेक करेंगे ताकि हम इसमें क्या हमारे जो स्लॉट पेपर का साइज है वो सही है या नहीं। ठीक है, इस तरह से एक सैंपल बनाएंगे पहले,
ठीक है। तो एक टुकड़ा काट करके हम सैंपल बना लेंगे। किसी किसी मोटर के जो स्लॉट होते हैं दोस्तों वो छोटे बड़े होते हैं, और किसी किसी मोटर के स्लॉट जो कि सबके सब एक बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कितने एक बराबर हैं, कितने अलग अलग साइज के हैं, तो उसी हिसाब से आपको स्लॉट पेपर को काटना होता है, ठीक है। तो एक सैंपल हम इस तरह से बना लेंगे। पहले एक पेपर हमें काट करके देखना होता है कि क्या हमारा जो स्लॉट पेपर है वो सही साइज का कट गया है या नहीं, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ से ऐसे आपको इसको दबा लेना है इधर से ऐसे ऐसे, ठीक है। कम से कम 2 mm 3 mm बड़ा होना चाहिए साइज में, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से हम इसको छोटा कर देंगे। ये सब आपको एक ही वीडियो में देखने की ज़रूरत है, बाकी के आगे की वीडियो के अंदर आपको हम मतलब ये सब करके वैसे दिखा देंगे कैसे पेपर काटा जाता है, ऐसे किया जाता है, और ऐसे हल्का सा मोड़ देंगे, इधर से मोड़ देंगे और दूसरी तरफ से मोड़ देंगे। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये साइज मैंने देख सकते हैं, हमने ये जो स्लॉट पेपर डाले हैं यहाँ पे हैं, तो इस तरह से 2-3 mm इधर है और 3 mm ही इस तरफ में है, ऐसे निकाल रखा है। तो सभी को हमें जैसे हमने ये साइज से हमने स्लॉट पेपर को काटा है इस तरह से कि हमारे मतलब ऊपर भी ना जाने पाए, और इससे मतलब जो हमारे ये कट है यहाँ पे तो इसके बराबर में रहे, तो इसी तरह से हमने काटा और यही साइज से हम सारे स्लॉट पेपर काट लेंगे, क्योंकि सारे सारे स्लॉट दोस्तों इसके एक ही साइज के हैं, ठीक है। तो इसी को हम इस तरह से काटेंगे। चलिए इसको हम लगा देते हैं हम स्टैंड में, इसको यहाँ से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसी साइज से हम सारे के 36 स्लॉट की हमारी मोटर है, 36 हमें ये स्लॉट पेपर काटने पड़ेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 3 लेयर हम काट लेंगे, यहाँ से 3 लंबी लंबी लाइन हम कट कर लेंगे जिसके अंदर से कि हमारे स्लॉट पेपर निकल जाएं। इस तरह से हम रखेंगे, एक लेयर 3 लेयर हो गई है। और दोस्तों स्लॉट पेपर जैसे कि हमने ये काट लिया है तो इसके अंदर हम फोल्ड करके नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये हैवी मोटर है और मतलब थोड़ी सी इसके अंदर तारें जो कि मोटी डलने वाली हैं, इस वजह से इसके अंदर फोल्ड करके अगर लगाते हैं तो ये इसका जो कोने वाला जो हिस्सा है ये पतला का पतला ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो हम ये जॉनसन टेप आता है इस प्रकार से जो कि टेप होता है ये लगाएंगे हैं, या तो आपके पास ये ना हो तो आप इस प्रकार का जो पीवीसी टेप होता है बढ़िया क्वालिटी का, इसे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसकी जो चेपी है वो थोड़ी सी मतलब कमज़ोर हो गई है। देखिए इस तरह से चिपकनी चाहिए बढ़िया से, वो चिपक नहीं रही है, लेकिन ये वाला दोस्तों ये चिपक जाएगा जो कि निकलेगा भी नहीं। देखिए कागज़ उघड़ गया लेकिन इसका चेपी मतलब कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लगाया जाता है चलिए हम आपको वो बता देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो टेपिंग किया जाता है ये बड़ी मोटर के अंदर जब कॉयल हमें डालना होता है, बड़ी मोटर वाइंडिंग करनी होती है, जब भी हमें ये टेपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आप चाहें तो जैसे हम 7 नंबर का पेपर इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चाहें तो 10 नंबर का पेपर इस्तेमाल करके ये नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों कोने जो कि ज़्यादा फटने के चांस रहते हैं इसलिए हम लोग इसको लगा देते हैं, जिससे कि हमारी इसमें सुरक्षा हो जाती है, ठीक है। और पहले यहाँ से शुरू कीजिए और इसके किनारे किनारे बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, ऐसे आपको लगा देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से जैसे ही हमने लगाया है वैसे ही हम इस दोनों ही स्लॉट पेपर पे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे, जो हमने साइज इसमें निकाला था पहले एक पीस काट करके उसी साइज से हमें निकालना है। उससे पहले दोस्तों जो फालतू के टेप हैं शुरुआत में इसको आपको कट करके इस तरह से बाहर निकाल लेना है, और उसके बाद आपको इस स्लॉट पेपर को कुछ इस तरह से रख लेना है, और यहाँ पे मोटर या कोई भारी चीज़ रख दीजिए ताकि ये सरके नहीं है, और आप इसको कटिंग कर सकें आराम से। अब दोस्तों अपने सैंपल के हिसाब से इसको हमें कटिंग करना है, जितना हमने चौड़ा काट रखा था उसी चौड़ाई के हिसाब से इसको हमें यहाँ पे कटिंग करना है। एक पीस पहले वाला, क्योंकि हमें स्लॉट पेपर हमारा बराबर हो सकता है ना हो,
स्लॉट पेपर को पहले बराबर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऐसे रख रख के सबको इस तरह से रख करके ऐसे कट कर लेंगे। एक दो, यानी कि सबके सब 36 कर लेंगे। और जैसे ये टेप है नीचे लगा रहेगा, और टेप वाले हिस्से को नीचे लगा करके इस तरह से और यहाँ पे ऐसे स्लॉट पेपर को हम डाल देंगे इसमें। देखिए साइज में है ना, जैसे कि हमने पहले जो साइज नाप रखा था उसी साइज पे है, इसको हम इस तरह से ऐसे नाप देंगे। हैं, और मान लीजिए हमारा स्लॉट पेपर दबता है तो यहाँ से ये कटेगा नहीं नीचे, क्योंकि टेप लगा हुआ है और ऊपर से ये भी मोटा है थोड़ा सा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों सारे स्लॉट पेपर हम 36 काट लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से स्लॉट पेपर कट गए। ठीक है, इसके अंदर डालना है, कैसे डालना है चलिए आइए नज़दीक हम आपको दिखाते हैं। स्लॉट पेपर दोस्तों ऐसे ही पकड़ के जैसे हमने पहले वाला डाला है वैसे के वैसे सबको हमें डाल देना है। ध्यान रहे कि इसका जो टेप हमने लगाया है वो कहीं से उधड़ना नहीं चाहिए, हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको सिंपल इसके अंदर ऐसे लगा देना है सबके अंदर। ठीक है, दोस्तों इस तरह से हमारे जो सारे स्लॉट पेपर हैं डल चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी इसके अंदर काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ स्लॉट पेपर डालने का। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस तरह से स्लॉट पेपर हमने डाल तो दिया इसमें, लेकिन अभी जब इसके अंदर हम कॉयल डालेंगे तो क्या होगा कि इसके कोने के अंदर से हमारी तार जो है कि बाहर हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, स्लॉट पेपर डालने के बाद में चाहे छोटी मोटर वाइंड करें चाहे बड़ी, तो आपको इसके स्लॉट पेपरों को ऐसे साइड साइड से दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से भी आपको ऐसे हाथ लगा के उंगली से आपको दबा देना है सारे के सारे स्लॉट पेपरों को, ताकि जो आप कॉयल डालें तो जैसे ये फैल गया है वैसे फैला रहे, नहीं तो ऐसे सीधा रहेगा तो तार आपकी इधर उधर बाहर चली जाएगी, जिससे कि बॉडी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं सारे स्लॉट पेपर हमारे खुले खुले से हो गए हैं। अब इसके अंदर हमारी कॉयल डालने के लिए हमारी मोटर अब तैयार है। चलिए दोस्तों इसको अब हम कॉयल बनाते हैं इसकी, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि मोटर के अंदर कॉयल कैसे डाली जाती है। तो दोस्तों ये है वाइंडिंग वायर जो कि हम कल लेकर के आए थे, डबल बीस है ये, हैं, जो हमने डाटा आपको मतलब लिखा था नोट किया था उसके अंदर भी आपने देखा था, बाकी अभी मैं आपके सामने वो डाटा का जो बुक है वो भी ले आऊँगा, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि क्या है डाटा इसका। तो ये वाइंडिंग वायर है, इसकी कॉयल हम सफाई से कैसे बनाते हैं ये आपको आज पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग होते हैं कॉयल तो बना लेते हैं वाइंडिंग करने लग जाते हैं, लेकिन उनकी वाइंडिंग मतलब अग्नि परीक्षा हो जाती है उनके लिए, क्योंकि कॉयल उनकी साफ नहीं होती, इस वजह से डालने में बहुत दिक्कत होती है उनको। तो सफाई से कॉयल कैसे बनाते हैं, कैसे डालते हैं, जल्दी से डल जाती है हमारी मोटर के अंदर कॉयलें, तो सब कुछ आपको आज की वीडियो के अंदर पता चलेगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे ये सब किया जाता है। ये तो डबल बीस है हमारी, और फर्मा हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे पास में ये 10 चक्कर वाली घोड़ी है जिसे के ऊपर हम मतलब हम कॉयल अपनी बनाते हैं, घोड़ी बोलते हैं, वैसे इसको हैंड ग्राइंडर बोला जाता है। तो हमारे पास ये है, हम इसके ऊपर कॉयल बनाते हैं, तो हम एक बार हम इसको घुमाते हैं ऐसे तो ये 10 बार ऊपर यहाँ पर घूमती है, तो इसी के ऊपर हम इसका कॉयल बनाने वाले हैं। और इस फर्मे का अगर मैं आपको साइज़ बताऊँ तो 64 mm का है ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप नापेंगे तो 60 mm या 64-60 mm पे मतलब होता है, तो 64 पे मतलब इसकी कॉयल बनती है, 64 का फर्मा इसको बोला जाता है, जिससे मोनोब्लॉक पंप वगैरह हम बाइंडिंग करते हैं उसी फर्मे के ऊपर हम इसकी कॉयल बनाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जब मान लीजिए अगर इसकी 2800 चक्कर में इस मोटर की वाइंडिंग करनी हो अगर, हैं, तो इसके अंदर तो दोस्तों बड़ी बड़ी कॉयलें होंगी, तो इसके अंदर गैप हमारे कॉयलों के बीच में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन चार कॉयलें बनेंगी ना तो वो आधा हो जाएगा, यानी कि जो हमारी मोनोब्लॉक पंप है उसी के बराबर ही लगभग ये पहुंच जाएगा इसका साइज अगर कॉयल का नापेंगे तो। ठीक है, तो गैप के हिसाब से छोटे वाले पे हम इसको बनाएंगे, एक कॉयल बना करके पहले इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे दूसरी कॉयल अगर सही बनेगी उसके बाद किसके ऊपर टेप लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर छोटा करना पड़ेगा, कौन सा बड़ा करना पड़ेगा, ये बाद में पता चलेगा। तो चलिए पहले एक कॉयल बनाते हैं, तो क्या डेटा है इसका ये जाने, उससे पहले हम इसके फर्मे को सेटिंग करते हैं। फर्मा कैसे सेटिंग किया जाता है दोस्तों, है ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों कोई भी मोटर हो उसका फर्मा हमें खुद बनाना पड़ता है कि कितने साइज़ की उसके अंदर मतलब कॉयल डलने वाली है। अगर आप किसी के द्वारा ले करके आप बना रहे हैं कॉयल, तो आपकी कॉयल या तो छोटी हो जाएगी या तो बड़ी हो जाएगी, यानी कि आपको कॉयल डालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए आप जब भी कोई मोटर वाइंडिंग करते हैं तो डाटा तो किसी से भी ले लीजिए, लेकिन फर्मा आप अपने हिसाब से बनाइए। फर्मा बनाने का क्या तरीका होता है दोस्तों, इस तरह से आप हमसे सीख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से तार लेना है और ऐसे दो गांठ लगानी है, ठीक है, इस तरह से लगाना है, जो पिच है
पिच किसकी कितनी है, चलो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा कल का जो डाटा है, हमने जो इसका मोटर का नोट किया था वो इसके अंदर हमने लिखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रनिंग की कॉयल है डबल पीस से है, तो उसके जो पिच है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो 1 से 3 के अंदर हमें इसके कॉयल को मतलब जो फर्मा है वो तैयार करना है, बाकी का अपने आप ही तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर ऊपर बनती जाएगी, एक को हमें केवल चेक करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम यानी कि जैसे यहाँ पे हमारा ये है, तो यहाँ पे ऐसे एक उंगली आपके अंदर जानी चाहिए, वैसे ही दूसरे तरफ भी ऐसे ही उंगली आपकी जानी चाहिए, ठीक है। तो कि कॉयल आपकी बनेगी तो इसके ऊपर से मतलब जैसे ये इतनी ऊपर आ जाएगी तो आपके नीचे दबा करके दूसरी कॉयल इसके अंदर आराम से चल जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखना है। थोड़ा सा आप इसको टाइट रख सकते हैं अपने हिसाब से, आप चाहें तो एक उंगली लगा करके आप आराम से मोटर वाइंडिंग करना चाहते हैं तो दोनों तरफ दोनों उंगलियां आपकी ऐसे चली जाए, इससे क्या होगा कि आपकी कॉइल नीचे सट जाएगी और ऊपर से दूसरी कॉइल जाने का जगह भी बन जाएगा, है। बाकी जो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उनके लिए होता है कि मतलब बिल्कुल सटा के भी करेंगे तो भी उनकी कॉइल डल जाती है। इस तरह से देख सकते हैं हमारा जैसे इधर है वैसे ही आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा इतना ही है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये फर्मा इस तरह से नप जाता है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपने फर्मे के ऊपर बांधेंगे और बाकी की जो ऊपर वाली है 1 से 5, 1 से 7, 1 से 9, तो वो वाला अपने आप ही हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये फर्मा बन जाता है, आप भी ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप स्वयं कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट काम इतना नहीं होता। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्मा बन गया। चलिए फर्मे के ऊपर अब सेट करते हैं। दोस्तों ये है हमारा फर्मा, इसके ऊपर हम ऐसे लगा लेते हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारे सुराग होते हैं हमारे पत्ती के अंदर, इसके ऊपर हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम एक कॉइल बनाएंगे, उसके बाद में दूसरी कॉइल मतलब कहाँ हमारा जाएगा, छोटा जाएगा बड़ा जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक कॉइल बना के डालते हैं, छोटा होता है बड़ा होता है एक उसी में पता चल जाएगा। कई बार दोस्तों बड़ी मोटर जैसे एक्सपर्ट मिस्त्री होते हैं उनसे भी ऐसा हो जाता है कि कॉइल छोटी बड़ी हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अगर नए हैं तभी आपसे गलती होगी, बड़े बड़ों से भी गलती हो जाती है, कॉइल छोटी बड़ी हो जाती है, अंदाजे से ही सब कुछ लगभग ये सब काम चलता है। अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती मोटर में, थोड़ा सा कम हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बस मोटर की कॉइल आसान और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। करने के बाद दोस्तों अपने ये वाइंडिंग वायर को लेना है और वाइंडिंग वायर को जब जैसे जैसे डबल तार चढ़वा करके रील के ऊपर आप ला रहे हो, तो ऐसे में आपको दोस्तों चाहिए कि इस कॉइल को बनाने का तरीका यानी कि कॉइल को साफ बनाना है तो कैसे आपको बनाना है, इसको आपको इस तरह से रील को चलाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे चलाना पड़ेगा रील को, तब जाके आपकी कॉइल साफ बनेगी क्योंकि तार आपकी ऐसे चढ़ी हुई है। लेकिन जब आप इसको रील को ऐसे नीचे रख देंगे, हैं इस तरह से नीचे रख देंगे और ऐसे तार को खींचेंगे ना, तो आपकी कॉइल जो कि निश्चित है कि उलझी हुई आएगी, जिसकी वजह से दोस्तों आपको कॉइल को डालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए दोस्तों हम भी ऐसे नहीं करेंगे बल्कि हम इसके अंदर कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे जिसकी वजह से कि हमारा ये रील हमारी इस प्रकार से टंग जाए, या तो किसी को तरह से पेचकस दे करके उनको बोल दीजिए ऐसे पकड़ लें, हैं जो आप कॉइल बना लें, लेकिन ध्यान रहे कि उलझने ना पाए, नहीं तो तार उलझ जाएगी तो वो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, उनको बोलना ऐसे पकड़ के रखेंगे एक्स्ट्रा ना घूमने पाए, नहीं तो एक पेचकस वगैरह लीजिए, पेचकस ले करके कुछ इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर देख सकते हैं ये खड्डा बना रखा है, इसके अंदर फंसा लेते हैं और यहाँ पर हमारी कॉइल अब एक सिरे से ही निकलेगी, यानी जैसे गई है उसके अंदर वैसे ही निकलेगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा लग गया है, अब हम ऊपर आइए, यहाँ पे हम ऐसे बांध लेंगे, ठीक है, इस तरह से बंध जाती है। अब हम इसके अंदर कॉइल बनाएंगे, हाँ, और साफ बनाने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ले सकते हैं, बाकी आप ऐसे ही बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कपड़ा ले लेंगे थोड़ा जोर लगाएंगे तो अच्छे से कॉइल आपकी बढ़िया से बन करके आएगी। चलिए टर्ने कितनी है इसके अंदर हम आपको बता देते हैं, देखिए पहले वाले में हमें 40 टर्ने डालना है, दूसरे वाले में 50, तीसरे वाले में 60 और लास्ट वाले में यानी कि 1 से 9 में 62 टर्ने डलेंगे। लेकिन दोस्तों ये इतना नहीं है, क्योंकि हमने आपने दिखाया था जब हमने डेटा गिना था इसका, तो यहाँ पे दोस्तों 20-20 है, यानी कि दो तारे साथ में चल रही हैं, तो हमने दोनों को गिना था तो ये आपका 40 आया था, ये 50 आया था, ये 60 और ये उधर ये, लेकिन जब 20-20 का जो ना सिंगल करेंगे, क्योंकि दो तारे हमारी एक साथ जब चल रही हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको केवल 20 बार इसको घुमाना होगा, यानी कि 20 टर्ने करने होंगे तो 20 कर देंगे तो आपका ये डबल हो जाएगा, यानी कि 20 × 40 हो जाएगा, यहाँ पे 25 कर देंगे तो आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो है कि 30 कर देंगे तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 31 कर देंगे तो 62 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको कॉइल बनाना है यहाँ पे, यानी कि सबको आधा कर देना है इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका, ठीक है। इस तरह से छोटा सा कपड़ा ले लेना है और इस प्रकार से यहाँ पे लगाने हैं हमें 20 टर्ने। चलिए लगाते हैं, एक बार घुमाएंगे तो 10 होगा, दो बार घुमा देंगे 20 हो जाएगा, 1, 2, ठीक है, 20 हो गया। यहाँ पे हमें करना है 50, तो यहाँ 25 कर देंगे,
एक दो और ये ढाई, यहाँ तक हमारा हो गया, तो ये 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें 60 करना है, तो यहीं पे हम 30 करेंगे, यानी कि अभी हमारा एक दो तीन, ये हमारा 60 हो गया। और दोबारा से हम यहाँ पे लाएंगे, 3 करेंगे, उसके बाद एक घुमा देंगे, एक दो तीन, ये हमारा 30 हो गया, और एक बार ऐसे घुमा देंगे, ये 31 हो गया। अब ये हमारा जैसे मतलब डबल कर देंगे सब, तो पूरा का पूरा ये 40 50 60 62 ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ से उतार लेते हैं, और एक कॉइल बनाने के बाद में आप चाहें तो इसका वजन वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपका साइज सही रहेगा तो वजन में डिफेक्ट नहीं आएगा, हैं। कितना ग्राम तार इसके अंदर लगा है दोस्तों, मैंने आपको इसका वीडियो नहीं दिखाया, बाकी मैं आपको दोस्तों वैसे बता दूंगा कि मैं इसके अंदर कितना तार लेकर के आया हूं। मैं जब भी डाटा कंप्लीट होगी मोटर, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा मैंने कितना तार कौन सी कॉइल के अंदर कितनी कितनी ग्राम तार इसमें लगी है। चलिए इसको पहले हम कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 4 तारे हम निकालेंगे, इसको बांधेंगे, और बिना बांधे आप कॉइल को मत उतारिएगा, नहीं तो आपकी कॉइल जो है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, उलझ जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखिए, इसे कील में टांग करके हमने इसको कॉइल बनाया है, तो हमारी कॉइल जो है कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा साफ बनी है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर तार नहीं चढ़ी है, और नीचे से भी आप देखेंगे तो हमारे रील के अंदर से जैसे मतलब बल नहीं आया है ज़रा सा भी। देखिए जैसे दो तारे एक साथ चल रही थी लपेटने में रील को, उसी तरह से यहाँ पे चल रही हैं ये, ठीक है। तो हमारी कॉइल बन गई है, इसको यहाँ से उतारते हैं, और उतारते समय आप देख लीजिए कहाँ से आपका जो सुराग है, 1 2 3 ऊपर नीचे से लेकर के तीसरे में है, उसी में आपको दोबारा से लगाना है, ठीक है। आप एक निशान लगा लीजिए कौन सा आपको खोलना है, तो देख सकते हैं हमारी कॉइल दोस्तों बन करके तैयार है, और तार हमारे सब कुछ साफ साफ है, देखिए कॉइल हमारा कंप्लीट है। चलिए एक कॉइल हम डालते हैं इसके अंदर, और देखते हैं साइज वगैरह कैसा है, सही है या नहीं। तो दोस्तों एक कॉइल, दोस्तों एक कॉइल बन गई है हमारी। चलिए इसको डाल करके देखते हैं इसके अंदर साइज वगैरह कैसा है, हैं। पहले वाली को हम 1 से 3 में डालेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे दोस्तों, कॉइल डालते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसका जो कनेक्शन का सिरा है किधर रखना है, यानी कि जैसे कि हमने मोटर खोला था तो आपने देखा था इसका जो बड़ी मोटर होती है, कोई सी भी हो, बड़ी मोटर जो होती है उसका कनेक्शन का जो सिरा होता है वो पीछे की तरफ ही होता है। कोई कोई मोटर ऐसी होती है जैसे मोनोब्लॉक पंप होती है, उसका क्रोमटन कंपनी का जो कि आगे की तरफ रहता है पंप की तरफ, बाकी सबका पीछे ही रहता है मोटरों का, तो इसका भी पीछे ही था। तो कौन सा हिस्सा पीछे था, ये वाला था या ये वाला था, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों। या तो पहले आप निशान लगा लीजिए, आप पता कर लीजिए कि किधर से है, नहीं तो किसी किसी में इस तरह से सुराग बॉडी के अंदर एक ही तरफ होता है, दूसरी तरफ होता ही नहीं है, हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा है ये जगह तार निकालने के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा कम है इधर से, हालांकि तार यहाँ से निकल जाएगा लेकिन किस जगह से ज़्यादा आसानी से निकल सकता है, तो हो सकता है ये वाला हिस्सा हो, है तार निकालने का सिरा इधर की तरफ आएगा। बाकी आप पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए आप क्या कीजिए, जो आपका रूटर है, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा किसी भी तरह से, तो आप ये देख लीजिए, अपना रूटर उठाइए इस तरह से, जो आपके मतलब बॉडी खुली थी इसको आप लगा करके देख लीजिए, दोनों तरफ से आपका रूटर जो है कि बराबर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से लगाइए और ऐसे लगाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो 2 mm अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अभी बैरिंग हमारी बाहर ही है, अब सही है, हाँ। तो देखिए हमारा रूटर बराबर आ गया, यानी कि हमारा जो कनेक्शन का हिस्सा है इस तरफ आएगा, यानी बैक कवर हमारा इधर लगेगा, फ्रंट का कवर ये है जिधर पुल्ली लगी है, और बैक कवर हमारा इधर आएगा, इसका मतलब हमारा कनेक्शन का हिस्सा इधर ही रहेगा। अगर हम इस तरफ कनेक्शन का हिस्सा निकाल देते तो हमें ये कवर को दोस्तों इस तरफ लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा देखिए, अभी अगर आप इधर कर देंगे कनेक्शन उस तरफ में तो ऐसे होगा, तो कवर आपको ये वाला इधर लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा कि ये रूटर आपका स्टैंपिंग के बराबर नहीं बैठेगा। देखिए देखिए कितना अंदर जा रहा है ये, ठीक है, कितना अंदर जा रहा है, यहाँ पे पूरा सटा हुआ है और यहाँ पे देखिए कितना अंदर जा रहा है, कम से कम 10-15 mm का फर्क है यहाँ पे, इसलिए आपकी मोटर सही चलेगी नहीं, एम्पेयर ज़्यादा लेगी, इसलिए इस चीज़ का आप लोग जब कॉइल डालते हैं सिरा निकालते समय ही उस टाइम ध्यान रखें,
ठीक है। चलिए इसको निकाल देते हैं, हमें पता चल गया किधर रहेगा इसका कनेक्शन का सिरा। हालांकि मुझे पता था, बाकी आपके लिए मैंने बताया ये सब। तो हमारा कनेक्शन का सिरा इस तरफ रहेगा जिधर ज़्यादा गैप है, जो कि हमने शुरुआत में निकालते समय देखा भी था। तो दोस्तों पहली कॉइल आपको उठाना है। कॉइल डालने का तरीका वही है जो हमने पहले बताया था कि आप जो भी कॉइल ऐसे रखते हैं आप एक तरफ रखिए कि एक सिरा जैसे का आपका उठा रहे हैं तो ऐसे ही उठाएं। जैसे मेरा जो तरीका है बहुत आसान तरीका यही है कि मैं ऐसे उठाता हूं पीछे वाला हिस्सा ऐसे, क्योंकि हमें ऐसे डालना भी होता है तो ऐसे हम उठा लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमारी कॉइल बनी पड़ी है, ऐसे उठाएं। पहले वाला हम ये 1 से 3 में डालना है। हमारी पिच क्या है, 1 से 3 है, देखिए। ठीक है, 1 से 3 है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से 1 से 3 में डाल लेंगे, पहले वाले में डालेंगे। ठीक है, हल्का सा ऐसे दबा लेंगे इस तरह से। ये पहले वाले में डल जाएगी। और यू के लिए हमारी जो तीसरी लेयर कटी हुई थी यू के अंदर आ जाएगी वो काम में। इसको हम दोस्तों यहाँ से उसी पेपर को कट कर लेंगे। ये हमारे यू कट गए हैं। चलिए पहले वाले हम डाल लेते हैं। अब आगे का बंधन खोलिए और देखिए, मोटी तार है कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए। जैसे इधर वाले में डल गया एक ही साथ इधर वाला डल जाता है, लेकिन सामने वाले एक ही साथ आप नहीं डाल सकते सारा का सारा। इसलिए 1 से 3 में डालना है, यानी कि बीच में एक छोड़ना है, 1 2 3 तीसरे में डालना है, यानी कि मैं डाल लिया आपने 1 2 तीसरे में डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे 2 2 4 4 तारे ले करके आप इस तरह से इसके अंदर डाल सकते हैं। बड़ी मोटर करना थोड़ा सा आसान रहता है, छोटी मोटर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ी मोटर फिर भी थोड़ी सी आसानी रहती है। देखिए इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है इस तरह से। और जब भी मोटर वाइंडिंग का वायर लेने जाते हैं जितना निकलता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइए, हैं कि तार ज़्यादा हो जाए पर कम ना पड़े। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारी कॉइल जो कि एक डल गई है। तो देखिए इसकी पत्ती एक निकल के बाहर आ गई, इसको आपको यहाँ पर ऐसे दबा देना है, कोई पत्ती वाइंडिंग के साथ ना सटने पाए। और उसके बाद आपको यू डालना है इसके ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से यू डाल देना है। देखिए अब इस कॉयल को थोड़ा सा आप नीचे दबाइए, हालांकि ये इसके ऊपर में कॉयल आएगा ना बाद में, इसलिए आपको हल्का से इसको आपको नीचे दबाना पड़ेगा। और नीचे दबाने के लिए हमने इसके अंदर टेप लगा रखा है कि दबाने के बाद में कहीं हुए कागज़ हमारा फट ना जाए कोने लग करके, है नहीं तो मोटर के अंदर करंट आने लग जाएगा। इसलिए हम दोस्तों इस तरह से करते हैं। तो पहली हमारी कॉइल डल गई, दूसरे को भी हमें इसी तरह से डाल लेना है। तो पहली कॉइल डालने के साथ ही वैसे हमें साइज़ का पता चल जाता है कि मोटर के अंदर हमारे जो कॉइल हमने बनाया है, हल्का सा आप इस तरह से टाइट कर लीजिए और जैसे हमने ये उठाया था वैसे आपको उसको भी उठाना है, दूसरे को भी, तीसरे को भी आपको यहीं से उठाना है, चौथे को भी आपको यहीं से उठाना है। ठीक है, और इस तरह से उठा करके इस तरह से लगा लेना है। देखिए पतला कर लीजिए यहाँ पर, इसको आपको जितना पतला कर लेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से पतला करके थोड़ा थोड़ा तार यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे डालिए हल्का हल्का। देखिए इस तरह से डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यू लगा देना है इसके ऊपर। ठीक है, फिर सामने की कॉइल डालनी है बिल्कुल सटा करके ही। अब आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, जो सामने वाला बचा हुआ स्लॉट है उसके अंदर सिंपल आपको इस तरह से जो दो दो तार चार चार तार जितना आप डाल सकते हैं आराम से डल जाए वैसे आपको डाल लेना है। समय की चिंता नहीं है, शुरुआत में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है पर धीरे धीरे आपका समय ये कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान रखें कि कॉइल जब आप बनाते हैं कॉइल थोड़ी सी सफाई से बनाएं। कॉइल अगर आपकी मतलब सफाई नहीं रहेगी कॉइल के अंदर तो आपको वाइंडिंग करने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और जब भी डालते हैं कॉइल तो पहली कॉइल तो दबेगी नहीं, दूसरी वाली को थोड़ा सा इस तरह से आप सेट करते चले जाएँ, हल्का से नीचे दबाएं ताकि दूसरी कॉइल जो ऊपर से स्टार्टिंग डलेगी वो आपको डालने में दिक्कत ना हो। और इसी तरह से दोस्तों जैसे हमने वो उठाया वैसे इसको उठा करके हल्का सा दबाना है ऐसे। ठीक है, हल्का सा दबाना है, यह पतला नहीं करना है, यहाँ पे अंदर नहीं दबाना बिल्कुल, इसको सीधा करना है। कहने का मतलब है गोल है ना ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे कर देंगे तभी हमारे स्लॉटों के बीच में जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है। इस तरह से
यू डाल लीजिए। उसके बाद सामने वाले कॉयल जैसे हमने पहले बताया आपको, वैसे आपको इसको भी दो दो चार चार तारे करके डाल लीजिए। और किसी मोटर के अंदर आपके पास में आती है कोई मोटर और उसके अंदर कोई ऐसी आती है कि मतलब स्लॉट उसके मतलब बहुत भीड़े हैं, तो आप उसके अंदर जैसे इसमें देख सकते हैं आरी के ब्लेड से रेती से जो है कि इसके अंदर वो भी लगाया गया है, क्या घिस गया, घिस दिया गया है रेती से, इसको घिसा हुआ है ताकि स्लॉट थोड़ी सी खुली हो जाए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपके पास कोई मोटर आती है उसमें रेत नहीं लगा हुआ है, मशीन से वाइंडिंग होती है तो उसके अंदर नहीं लगाते हैं, तो आप भी उसके अंदर इस तरह से कर सकते हैं, उससे मोटर पे ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, इस तरह से आपको मोटर के अंदर कॉयल पा लेना है। दूसरी तीसरी पड़ गई हमारी, अब से चौथी भी हमें इसी तरह से डाल लेना है, जैसे गोल है ये, थोड़ा सा हम इसको ऐसे हल्का सा दबाएंगे ताकि ये स्लॉट के बीच में जाने लायक हो जाए। हल्का से ऐसे मारना है, हाथ पकड़ना तीनों हाथ उंगली से और इस तरह से आपको डाल लेना है इसके अंदर। ठीक है, सामने वाले को भी जैसे आपने सभी कॉयलों के अंदर डाला है दो दो चार चार काट करके, वैसे आप इसके अंदर डाल लीजिए। जितना जो धीरे धीरे आप वाइंडिंग करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और उसके बाद आपको डालने में परेशानी नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखिए, जैसे हम ये कॉयल डाल दें, मान लीजिए कॉयल हमारी भर गई, स्लॉट भर गया हमारा है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको इस तरह से कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद कॉयल डालने का क्या तरीका होता है, जैसे देखिए छोटी मोटर के अंदर मैं आपको बता नहीं पाया, दिखा नहीं पाया इसके अंदर क्या होता है, ट्रिक क्या अपनानी पड़ती है। जैसे हमने दो चार तारे पकड़ी तो कई लोग होते हैं कि ऐसे रखते हैं और ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं दोनों हाथों से, ऐसे नहीं करना होता है। देखिए पहले इस हाथ से, इस वाले हाथ से आपको इधर से थोड़ा सा ऐसे उठाना है और वहाँ कोने पे उधर वाले में फंसाना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद इधर वाले में थोड़ा सा हाथ से हल्का खींच करके, यानी कि इसको टाइट हाथ से खींच करके, उसके बाद अब ऐसे नीचे दबाइए हैं। ऐसे दोनों हाथों से नहीं दबाना, दोनों हाथों से ऐसे नहीं दबाना, मतलब एक तरफ ऐसे डालना है पहले, उसके बाद दूसरे तरफ से फिर इस तरह से दबाते हुए लाना है, तब जाकर कैसे करना है, उसके बाद इस तरह से कर देंगे तो आपकी तार जो कि अंदर चली जाएगी चाहे कितनी ही टाइट मोटर क्यों ना हो। ठीक है, और उसके बाद आपको यू लगा देना है ऊपर से। ठीक है, तो हमारी जो कॉयल है दोस्तों लगभग साइज इसका बहुत अच्छा है, सही है। ठीक है, देख सकते हैं सही है सब। अब इसी हिसाब से हम दोस्तों कॉयल सारी बना देंगे। ऊपर वाली कॉयल थोड़ी सी हमारी छोटी है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर वाली कॉयल छोटी है, बाकी ये चल जाएगा। ठीक है, सेटिंग में ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेटिंग में आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे नीचे कॉयल जब डालते हैं हम तो हमारी ये जो बॉडी है इधर से भी और इस तरफ से भी अंदर अंदर ही रहनी चाहिए, अगर बाहर हो जाएगी तो हमारे बॉडी के अंदर लगेगा, कवर के अंदर लगेगा, जो कि करंट आ सकता है। इसलिए दोस्तों आपको कॉयल का साइज मतलब ठीक ठाक ही रखना है, थोड़ा सा आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं इसको, बाकी मेरे लिए तो ये सही है। तो चलिए दोस्तों पहली कॉयल हमारी डल गई है, इसी तरह से हम तीन कॉयल और बाकी जो स्टार्टिंग की जो कॉयल है वो भी हम बना लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मतलब आपको समझने में भी दिक्कत होती है और हमें समझाने में भी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को ज्ञान देंगे ताकि आप लोगों के भी पास में कुछ रुक सके, क्योंकि सारा सारा अगर एक साथ दे दिया तो भी आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हम देते हैं। और बाकी की जानकारी नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूरी कंप्लीट हम वाइंडिंग कर देंगे इसकी, और बाकी तीसरे पार्ट के अंदर इसकी पूरी तरह से फिटिंग करके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस मोटर की फिटिंग करनी चाहिए, क्लच गवर्नर और बाकी सब कुछ जो भी है बैरिंग वगैरह ये सब कैसे टाइट किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।